कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा हम समस्या का समाधान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कृषि कानून को सस्पेंड करने की बात दोहराई, कहा हम कृषि कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कमेटी बनाने पर दिया जोर, कहा किसान समाधान चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं, सरकार से बात करने जा सकते हैं तो कमेटी में क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी, हम पीएम से नहीं कह सकते कि वो किससे बात करें किससे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने जारी किया बयान, कमेटी के गठन के कयासों के बीच किसानों ने किया शामिल होने से इनकार। और जब फटकार लगाई तो 22 दिन मैं सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट से, भाग्य थी सरकार को। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस का प्लान, विपक्षी दलों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर सकती हैं बैठक। आज 48वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का संबोधित, युवाओं के विचारों को अहमियत देने पर दिया जोर। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के योगदान का किया जिक्र, बोले स्वामी जी ने किया था व्यक्तियों और संस्थाओं का निर्माण। राजनीति में वंशवाद पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार, वंशवाद को नए किस्म की तानाशाही बताया, करप्शन पर भी किया बात। राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सियासी कार्यक्रम, बीजेपी और टीएमसी ने स्वामी जी की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, कैलाश विजयवर्गीय और सुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने किया नमन। बीजेपी ने विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता में दिलीप घोष के नेतृत्व में निकाली पदयात्रा, कई वरिष्ठ नेता भी पदयात्रा में हुए शामिल। बंगाल दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पहुंचकर किया नमन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ममता बैनर्जी ने किया याद, कहा स्वामी जी की शिक्षाएं करती हैं प्रेरित। देश के 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोविड वैक्सीन की खेप, सुबह ट्रक से में भरकर वैक्सीन रवाना। सूत्रों के मुताबिक 200 रुपए होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत, पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। दिल्ली आ गई कोरोना वैक्सीन, एयरपोर्ट पर उतारी गई पहली खेप। राजीव गांधी अस्पताल के यूटिलिटी ब्लॉक के बाहर अब पुलिस तैनात कर दी गई है, यहीं पर वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 28 दिनों के अंदर आएगा दूसरा जत्था। चेन्नई के एयरपोर्ट पर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रिसीव किया। हैदराबाद में पहुंचा कोविशील्ड वैक्सीन का पहला जत्था, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने में पुलिस ने दी सुरक्षा। मोहाली एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिसीव किया कोविशील्ड वैक्सीन, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएगी पंजाब पुलिस की टीम। जयपुर में वैक्सीन को रखने के लिए खास सुरक्षा इंतजाम, कुछ देर पहले पहुंची है वैक्सीन की पहली खेप। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,584 नए मामले, एक दिन में 167 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, एक दिन में 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। देश के 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी सावधान रहने की नसीहत। सेना प्रमुख जनरल नरवणे का चीन पाकिस्तान को करारा जवाब, दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर बोला सीधा हमला, कहा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, हमें देते रहेंगे करारा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर चर्चा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर के किया विधिवत पूजा पाठ।
केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क हादसे में मौत, नाइक को लगी गंभीर चोट, कर्नाटक के अंकोला में हुआ हादसा। 14 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव, थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में हिस्सा लेने गई थी। कानपुर के विकास दुबे कांड की जांच एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी। एसआईटी ने अपनी जांच में 150 करोड़ की संपत्ति के सबूत जुटाए। ड्रग केस में मुच्छड़ पानवाला को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, कल मुंबई में हुई थी गिरफ्तारी। टीम इंडिया को एक और झटका, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक तेज गेंदबाज बुमराह भी चौथे टेस्ट से बाहर, जडेजा और हनुमा विहारी पहले ही हो चुके हैं चोटिल। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने जवानों को हटाया, 10,000 जवान पीछे हटे। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हटे, लद्दाख में शून्य से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने उठाया कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को दी अंतरिम राहत, 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हथौड़ा नहीं चला सकेगी बीएमसी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने 25 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने पिता, पत्नी अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म, कोहली ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी। मध्यप्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत। दो अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने के बाद मचा हड़कंप, 7 गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज जारी। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया थाना प्रभारी को सस्पेंड, जांच दल गठित, कहा कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के कैमूर में डीएफओ के चालक ने ठेकेदार को मारा चाकू, गंभीर रूप से घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राजपथ पर हुआ रिहर्सल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही देवी देवताओं से जुड़ी सियासी बयानबाजी, टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। टीएमसी नेता सुजाता मंडल का बयान, बीजेपी खुद को बेचने के लिए प्रभु रामचंद्र को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर करती है इस्तेमाल। যে রামচন্দ্রকে তারা ইউজ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে, যেমন প্রোডাক্টকে বিক্রি করার সময়। सुजाता मंडल ने किया सवाल, रामायण में किस पृष्ठ पर लिखा है कि सब बीजेपी के हैं भगवान राम, भारत में हिंदू के साथ अल्पसंख्यक भी करते हैं राम की पूजा। सुजाता मंडल ने दलितों के घर अमित शाह और जेपी नड्डा के खाना खाने का उड़ाया मजाक, कहा लाखों खर्च कर पहले सजाए गए उनके घर। रायबरेली के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने भी सियाई, जमकर हुआ हंगामा। विवादित बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सोमनाथ भारती, सुल्तानपुर कोर्ट में 13 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई। विवादित बयान देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा, कहे ऐसे लोगों के लिए यूपी प्रतिबंधित, केजरीवाल से की माफी की मांग। यूपी दौरे के दौरान सोमनाथ भारती की विवादित बयान पर हुई थी गिरफ्तारी, कहा था यूपी के अस्पतालों में पैदा होते कुत्तों के बच्चे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, 3 फीट तक बर्फ से ढका पूरा धाम। केदारनाथ धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ आ रही नजर, केदारनाथ धाम को जोड़ने वाली सभी पैदल मार्ग भी बंद। लगातार हो रही बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम हुआ गुलजार, हर जगह बर्फ की सफेद चादर आई नजर। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण, 1 फीट तक जमी हुई है बर्फ। राजधानी दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे की चादर में सिमटी, शीतलहर के साथ तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। न्यूज एंकर और अभिनेत्री रई पास पंडित ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, 10 से ज्यादा हिंदी और दक्षिण की फिल्मों में किया है काम। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी की महिला पंचायत अध्यक्ष रहमत जहां को पति ने दिया 3 तलाक, मारपीट का भी आरोप, पत्नी ने दर्ज कराया केस। रहमत जहां के मुताबिक पति सरकारी कामों में कराना चाहते थे गड़बड़ी, मना करने पर की मारपीट, बाद में दिया तलाक। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हत्या और बलात्कार के बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन किया तलब। मध्य प्रदेश दमोह में एक हत्याकांड के बाद बड़ा तनाव, हिंदू संगठनों ने बंद का किया ऐलान, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने एसआईटी बनाने की मांग की, सीएम अमरिंदर सिंह को सौंपेंगे खून से लिखा खत। बिहार में हर घर जल हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, मनेर में कई पंचायतों में कागज पर योजना पूरी लेकिन असलियत में बोरिंग तक नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बदमाश ने पान वाले पर चलाई गोली, वीडियो वायरल होने पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के झांसी में रामलीला के मंच पर डांसर्स ने लगाए ठुमके, जुटी भीड़ ने बीच कोरोना काल के नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के शाहजहांपुर में दो गुटों में जमकर मारपीट, बाइक रेस के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बड़ा था विवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव में चलती बस में महिला से बलात्कार, आरोपी क्लीनर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में विधवा महिला से गैंगरेप, आरोपी फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। रायपुर में कांग्रेस पार्षद की धमकी का वीडियो वायरल, एक महिला के सामने उसके बेटे को धमकाया। मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर भाई बहन की मौत, मदरसे से लौटते वक्त हुआ हादसा। लखनऊ से जौहरी से लूटपाट किए 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। सबसे शराब की ब्रांडेड बोतलों में बेचने के गोरख धंधे का खुलासा, यूपी के शाहजहांपुर में एक आरोपी और एक सेल्समैन गिरफ्तार। प्रयागराज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलई करने वाले छात्र परेशान, शिक्षक भर्ती में शामिल करने के नोटिफिकेशन का इंतजार। सागर में प्रेमिका पर चाकू से हमला करने के बाद प्रेमी ने लगाई फांसी, घायल प्रेमिका अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा में नाबालिग लड़की का मिला शव, अभी नहीं हो सकी है शनाख्त। मेरठ में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी, एक हत्याकांड का हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बस और बाइक की टक्कर के बाद लगी आग, 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के खंडवा में बलात्कार के बाद नाबालिग की हत्या, आरोपी दुकानदार फरार। चित्रकूट में संतों ने कलेक्टर ऑफिस पर किया प्रदर्शन, बदमाशों के डर से तमाम साधु संतों के आश्रम छोड़ने का उठाया मुद्दा। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या पर खुलासा, वैध संबंधों की वजह से मारी गई थी गोली, 2 दोस्तों की हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, पिस्टल बरामद। अमेरिका में डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ में 8 दिन बाकी, बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन का लगवाया दूसरा और अंतिम टीका। जो बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए संकेत, अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के हंगामे को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। ट्रंप पर महाभियोग साबित होने की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक चुना, बर्न्स रूस और जॉर्डन के रह चुके हैं राजदूत। नेपाल में एकीकरण दिवस पर प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।